देखिए, कांग्रेस की गारंटी ने इस देश को आज़ादी दिलाई। हम लोगों ने खून बहाया है तब जाके देश आज़ाद हुआ, और 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है देश और दुनिया जानती है। कांग्रेस पार्टी तो देश का दिल है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा परिणाम कांग्रेस पार्टी का इस पूरे लोकसभा चुनाव में आएगा। कांग्रेस पार्टी का मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। इतना बड़ा अनमोल तोहफा रायपुर लोकसभा से मुझको प्रत्याशी बनाया है, मेरे जीवन में इससे बड़ी कोई दूसरी खुशी हो नहीं सकती। प्रत्याशी कांग्रेस ने इस बार दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, रायपुर लोकसभा में प्रत्याशी के रूप में मुझको बनाया भेजा गया। मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक लड़ाई हम सब लड़ेंगे, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से वो लड़ाई लड़ी जाएगी और हम ये चुनाव को जीतेंगे। विरोधी कह रहे हैं हमारे पास मोदी की गारंटी है, कांग्रेस कौन सी गारंटी लेकर लोकसभा में जा रहा है? देखिए, कांग्रेस की गारंटी ने इस देश को आज़ादी दिलाई। हम लोगों ने खून बहाया है तब जाके देश आज़ाद हुआ, और 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है देश और दुनिया जानती है। कितने अस्पताल, कितने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, कितने शहरों को बसाने का काम अगर किसी ने, कल कारखाने, उद्योग अगर किसी ने लगाया है, आज अगर भारत देश विकसित देश के रूप में पहचान पूरी दुनिया में है तो कांग्रेस पार्टी के कारण है। और कांग्रेस पार्टी तो देश का दिल है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा परिणाम कांग्रेस पार्टी का इस पूरे लोकसभा चुनाव में आएगा। युवा प्रत्याशी कांग्रेस ने रायपुर से दिया है, क्या कहेंगे आप? क्या संदेश है संसदीय क्षेत्र रायपुर के? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। इतना बड़ा अनमोल तोहफा रायपुर लोकसभा से मुझको प्रत्याशी बनाया है, मेरे जीवन में इससे बड़ी कोई दूसरी खुशी हो नहीं सकती कि एक सामान्य परिवार के एक सामान्य कार्यकर्ता को लोकसभा तक का टिकट दे दिया। ये हम सब लोगों के लिए बड़ी बात है, और ये कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ी बात है। मंत्री भी और उनके मुखिया भी हम लोगों की बात सुनकर डरते बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ, बहुत सारे लोगों को उनके हक और अधिकार भी वापिस मिले जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। चाहे आज सब लोगों को रायपुर राजधानी में कितने लोगों को पट्टा मिला है, आचार संहिता चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हम सब लोगों ने जो पहले कमला साहब की सरकार की मकान तोड़ने का जिन्होंने फैसला लिया था।